हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका क्लास 10th SST सब्जेक्ट में। और आज मैं आपको मैप भरना सिखाऊंगी और किस तरह से आसान तरीके से मैप को भरा जाए, और जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम या वैसे भी कभी भी किसी को सिखाना हो, बताना हो, तो आसानी से आप सीख सकें और बता भी सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बच्चों, भारत में इस समय 28 राज्य हैं, पहले 29 थे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य में शामिल कर दिया गया, जिसके वजह से राज्यों की संख्या 28 हो गई। और अब हम जानते हैं कि मैप को भरने के लिए पहला नियम क्या है। तो बच्चों, पहला नियम ये है कि हम ये जानें कि कौन सी दिशा किधर है, क्योंकि बिना दिशाओं के ज्ञान के आपको कौन सा राज्य किधर है उसमें हमेशा भरने में कन्फ्यूज़न रहेगी। तो सबसे पहले उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आप देखिए, सबसे ऊपर ये है, यहाँ पर उत्तर दिशा, और इसी के जस्ट अपोजिट नीचे आ जाइए तो नीचे है दक्षिण। और आपके मैप जब आप रखोगे, आपके सामने रहेगा, तो आपके राइट साइड में इधर हमेशा पूर्व साइड या ईस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वेस्ट। ये तो हो गया दिशाओं का ज्ञान। अब मैंने बताया आपको 28 राज्य हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे देश भारत में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए, सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तर में है हमारा कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु, ये आपको दिखाया जा रहा है। दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और भारत के पश्चिम में है गुजरात। ये तो थे हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। और अब आइए जानते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान सा टिप्स बना करके आपको लिख के और इस स्क्रीन पे शो किया है। तो आपको क्या करना है, नोटबुक पे इन सभी राज्यों के नाम लिखने हैं और उनकी राजधानियाँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़, उत्तरांचल या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, और गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटक बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, गोवा की राजधानी है पणजी, सिक्किम गंगटोक राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, और अंतिम राज्य है त्रिपुरा अगरतला। ये तो थे हमारे 28 राज्य। अब आइए आगे चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे यहाँ कुल केंद्र शासित प्रदेश इस समय है 9, पहले थे 7, किंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल करके ये हो गए, इनकी संख्या 9 हो गई। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप कवरत्ती, दमन और दीव की राजधानी है दमन, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और अंतिम केंद्र शासित राज्य है लेह। तो ये थे बच्चों आपकी सुविधा के लिए राज्यों के नाम, उनकी राजधानियाँ।
आप इनको अच्छे तरीके से नोटबुक पे नोट करके इनको याद कर लेना, जिससे कि आपको भरने में आसानी रहे, कभी राजधानी पूछा जाए, कभी राज्यों के नाम पूछा जाए। अब आइए मानचित्र में देखते हैं कौन सा राज्य, इनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले उत्तर में, उत्तर दिशा मैंने आपको बताई थी ऊपर है, उत्तर में राज्य है जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट राज्य है नीचे सी के हिमाचल प्रदेश। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए शॉर्ट में लिख दिया है HI हिमाचल प्रदेश। और फिर पंजाब, फिर इधर आ जाइए राइट साइड अपने उत्तराखंड, UK मैंने लिखा हुआ है उत्तराखंड। और नीचे हरियाणा HA लिखा हुआ है हरियाणा। उसके बाद UP उत्तर प्रदेश। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इधर है पश्चिम दिशा में राजस्थान। इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट राज्य है बिहार, और बिहार से अलग हुआ राज्य है ये झारखंड। और अगला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़। गुजरात, ये पश्चिम दिशा में गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नीचे है बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे आइए, कर्नाटक के बिल्कुल पास में ही देखिए छोटा सा राज्य है गोवा। ये बाहर लिखा हुआ है, छोटा सा बिल्कुल राज्य है गोवा। और कर्नाटक के नीचे आ जाइए दक्षिण में केरला। केरला का नाम आते ही आप याद करने की टिप्स है करेला, करेला का नाम केरला, कुछ याद करने की टिप्स आप समझ लीजिएगा। और सबसे दक्षिण में मैंने कौन सा राज्य बताया था? तमिलनाडु। ये है आपका तमिलनाडु। फिर ऊपर लिखा है AP, ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से निकला अलग हुआ राज्य है ये तेलंगाना, तेल लगाना शॉर्ट में तेलंगाना। और फिर आइए उड़ीसा, ये राज्य है आपका उड़ीसा। इसके बाद है वेस्ट बंगाल। इन सब की राजधानियाँ मैंने आपको नोट करा दी है बच्चों। अब आइए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, AP लिखा हुआ है मैंने, ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बच्चों असम। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, है नहीं लेकिन कहा जाता है कि सेवन सिस्टर्स, इसमें ये सेवन राज्य शामिल किए गए हैं। तो असम हो गया, और ये ऊपर छोटा सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी मैंने क्या बताई थी? गंगटोक। अब आ जाइए नीचे असम के पास मेघालय, ये है मेघालय। और इधर पूर्व की साइड में नागालैंड, ये है आपका नागालैंड। नागालैंड के नीचे ये है मणिपुर, हाँ ये है बच्चों मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम, और ये अंतिम राज्य बचा त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। तो आप इस तरह से, ये मैंने 28 राज्यों के नाम और राजधानियाँ लिखवा दी हैं, और इनमें कुछ मैंने रेड पेन से मार्क भी कर रखे हैं, नाम भी लिख रखे हैं। तो आप क्या करिए, सिर्फ इनके नाम नोट कर लीजिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, ये जो रेड मार्क से लिखे हुए हैं स्थान, ये ऐतिहासिक स्थल हैं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के आपके होम एग्ज़ामिनेशन में हर हालत में हमेशा कभी ना कभी रिपीट हुए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से इनकी लोकेशन को देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में इनके लोकेशन सेट होनी चाहिए। तो ये है अमृतसर, रेड मार्क मैंने कर रखा है बच्चों, ये है अमृतसर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपका क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आंसर आपको पता होना चाहिए अमृतसर, और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये है आपका अमृतसर। नेक्स्ट है चौरी चौरा,
ये है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको नोट कराऊंगी, बट आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। यह है चौरी चौरा। नेक्स्ट चंपारण, ये देखिए बिहार राज्य में है बॉर्डर पे, और ये मैंने लोकेट कर रखा है चंपारण। उसके बाद कोलकाता, ये है कोलकाता। और इसके बाद बच्चों अहमदाबाद, गुजरात राज्य में है अहमदाबाद। और खेड़ा, इनकी लोकेशन अच्छे से आप देख लीजिए और प्रैक्टिस भी करिए। नेक्स्ट है डांडी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं। आगे नागपुर, ये अगला है चेन्नई, ये स्थल है चेन्नई। तो बच्चों ये थे आपके मैप से संबंधित कुछ स्थल, ऐतिहासिक स्थल और उनकी राजधानियाँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन और ये नेक्स्ट सीरीज़ भी आपकी मैप की बनाऊंगी। ये तो थोड़ा सा था आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नहीं जो स्थल हैं, आप इनको ले करके मैप, वो चाहे आपको पॉलिटिकल मैप मिले या फिजिकल मिले, आप अपनी सुविधा अनुसार ले करके इनकी इन्हें भरिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हर तरह से हेल्प हो सके। बाकी अगले वीडियो में आपकी सुविधा के लिए भौगोलिक स्थल भी आपको बताए जाएंगे। इस तरह से मैप आपको 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में दो मैप मिलेंगे, एक तो इतिहास के ऐतिहासिक स्थल भरने के लिए और दूसरा होगा भूगोल से संबंधित, जिसमें भौगोलिक स्थल भरने के लिए आएंगे। तो आपको वीडियो बच्चों कैसा लगा, आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही बने आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर।